नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कई बार जो ये मैं क्वेश्चन अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसका आंसर भी मैं दूंगा, ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ आ सकती है। कई बार आपने देखा होगा कंपनी आपको जॉब से निकाल देती है, कंपनी मतलब आपको बोल देती है भाई हमारे पास काम नहीं है, आप छुट्टी कर लो, आप घर चले जाओ, कई सारे रीजन हो जाते हैं उसके। और कई बार आपको कंपनी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसका इस्तीफे का मेन रीजन ये होता है कि कंपनी आपको कम सैलरी दे रही है, कंपनी आपको 4-6 महीने 8 महीने से सैलरी आपकी लटका के रखी है, सैलरी आपकी पेंडिंग पड़ी है, इसलिए मजबूरी बस आपको कंपनी में आपको इस्तीफा देने की मजबूरी नौबत आ गई है। तो कंपनी फिर यहाँ पे नाजायज फायदा ये उठाती है कि मान लीजिए 6 महीने से आप कंपनी में काम कर रहे हैं, 8 महीने से कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है सुनने में कि कंपनी ने 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी, 8 महीने से नहीं दी, 4 महीने से नहीं दी, तो फिर एक आदमी मजदूर आदमी क्या करेगा? चाहे मजदूर हो चाहे ऑफिशियल हो, पैसा तो सबकी जरूरत है, मजबूरी है। अगर उनको पैसा ही नहीं मिले तो फिर वो विदेश में रह के जॉब करने से क्या फायदा? तो फिर वो क्या करते हैं कि इस्तीफा देने की सोचते हैं कि भाई कंपनी सैलरी नहीं दे तो इस्तीफा दे देते हैं, कंपनी में जॉब छोड़ देते हैं। तो वो फिर कंपनी उनको फायदा उठाने की कोशिश करती है कि अगर इस्तीफा दे दिया तो सैलरी किस बात की। तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन बचता है कि इस्तीफा देने के बाद भी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है, आप 1 महीना वेट करते हो, उनको आप लिखित में देते हो, मेल करते हो, आपको रिप्लाई नहीं देती है, तो आप उनके खिलाफ फिर लीगल एक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, आप अगर लीगल एक्शन लेते हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ केस करते हैं, 2-3 महीने की सुनवाई आपकी होती है, आपको तारीखों पर जाना पड़ता है। ये तो नहीं कि भाई आपने इस्तीफा दिया फिर आप इंडिया पहुंच गए या फिर अपने देश आ गए फिर आप वहां से इंडिया से सैलरी मांग रहे हो, वो तो होगा नहीं। आपको वहीं रह के आपको कोर्ट कार्रवाई के दौरान आपको रुकना पड़ेगा वहीं पे। और 100% ये तो श्योर बात है कि भाई आप अगर अदालत में कोर्ट में आप केस करते हो तो केस आपके पक्ष में आएगा फैसला, क्योंकि तनख्वाह आपकी पेंडिंग पड़ी, आपने वहां पे जॉब करी है, तो एविडेंस की तो कमी नहीं रहेगी, फैसला आपके पक्ष में आ जाता है। उसके बाद में 30 दिन का ऊपरी कोर्ट में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आप संतुष्ट नहीं हो या फिर कंपनी के आपके पक्ष में फैसला आ गया, फिर भी कंपनी उसको ऊपर वाले कोर्ट में हाई कोर्ट में लेके उस मैटर को नहीं खींचती है, लंबा नहीं खींचती है, 30 दिन का समय सीमा समाप्त हो जाती है। फिर आपके पास फिर भी अगर सैलरी कंपनी तनख्वाह नहीं दे, आपकी बकाया राशि नहीं दे, तो आपके पास कोर्ट में दोबारा से एक आप एप्लीकेशन दायर करनी होती है, जिसको आप मुकदमा बोल सकते हैं, मुकदमा निष्पादन प्रक्रिया। जी हाँ साथियों, निष्पादन का मतलब ये होता है कि भाई आपने कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया कि भाई कंपनी को सैलरी आपको देनी चाहिए, ये बात खत्म हो गई। उसके बावजूद अगर कंपनी सैलरी नहीं देती है तो एक निष्पादन का केस होता है, यानी केस डिस्प्यूज हो जाता है और कोर्ट को आप निवेदन करते हैं कि मुझे मेरी सैलरी दिलवाई जाए। तो कोर्ट बाकायदा स्ट्रिक्टली फैसला लेते हुए कंपनी को आदेश देता है कि इसकी जितनी भी सैलरी है वो आपको विथ इंटरेस्ट भी बोला जा सकता है, वरना जो सैलरी है उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं, वो आपको मिल जाती है निष्पादन प्रक्रिया के दौरान। जी हाँ, ये निष्पादन तब होता है जब आपके पक्ष में फैसला आ जाता है, ऊपरी अदालत में केस नहीं जाता है, समय सीमा आपकी समाप्त हो जाती है, इसके बाद आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिखाते हैं कि मैंने केस किया था, केस मेरे पक्ष में फैसला आया है, अब आपसे केस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो सैलरी है वो कंपनी से विथ इंटरेस्ट या एडवांस के तौर पे जो भी सैलरी है वो दिलवाई जाए, तो फिर कोर्ट की तरफ से कंपनी को आदेश होता है सैलरी उनको देनी ही पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, तो आप इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।